हेलो डू फैमिली, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नया वीडियो पे। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कंप्लीट कैलिस्थेनिक बिगिनर वर्कआउट। अगर आप कैलिस्थेनिक इंटरेस्टेड हैं या फिर कैलिस्थेनिक स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को कौन कौन सा वर्कआउट या फिर कौन कौन सा कंडीशनिंग वर्कआउट करना चाहिए जो कि आपको कैलिस्थेनिक जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सके। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँ कि आप फुल बॉडी वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। तो आज का वर्कआउट प्लान ऐसा रहेगा कि फुल बॉडी वर्कआउट, जिसमें कि आपका रहेगा पुल, पुश, लेग और कोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे स्ट्रेचिंग से, क्योंकि स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली आप अगर मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम रात भर जब सोते हैं तो हमारा बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो रहता है, इसलिए हमें स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपना नेक से, और नेक को स्ट्रेचिंग करने के बाद मैंने स्टार्ट किया आपका शोल्डर, जो कि आप देख सकते हैं शोल्डर को स्ट्रेचिंग के। आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपना बॉडी को स्ट्रेच करें या फिर मोबिलिटी को इंक्रीज़ करें, ताकि आप लोगों को पता है अगर जितना ज़्यादा आपका बॉडी स्ट्रेचिंग होगा, जितना ज़्यादा आपका बॉडी को मोबिलिटी मिलेगा, उतना कम से कम आपको इंजरीज फ्री होने का चांस सबसे ज़्यादा रहेगा। आप जितना ज़्यादा बॉडी को फ्री करेंगे आपके लिए उतना ही काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा लॉन्ग टर्म गोल के लिए, क्योंकि कैलिस्थेनिक एक लॉन्ग टर्म गोल है और आप नहीं चाहते हैं आपको कोई भी कारण से इंजरीज हो जाए और आपका प्रैक्टिस या फिर आपका जो कैलिस्थेनिक जर्नी है वो वहीं पे स्टॉप हो जाए। और ज़्यादातर लोग तो इसी वजह से बहुत कोई कैलिस्थेनिक नहीं कर पाते या फिर इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, ताकि इसमें बहुत सारे इंजरीज होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। इस टाइम पे नहीं रहता जब हम लोग एडवांस मूव करेंगे, जैसे प्लांच हो गया, फ्रंट लीवर हो गया, बैक लीवर हो गया, या फिर आप लोग देखे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग डायनामिक करते हैं उन लोगों के लिए, तो आपको बॉडी को स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अब कर लेते हैं रिस्ट का स्ट्रेचिंग। आप देख सकते हैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको रिस्ट को स्ट्रेच करना है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा बॉडी वेट ट्रेनिंग में रिस्ट का, फोरआर्म का, शोल्डर का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए इन सब चीज़ों का जॉइंट को स्ट्रेचिंग करना बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं शोल्डर का, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। और अब स्ट्रेचिंग करने के बाद वार्म अप जरूर करें, कि वार्म अप आपको अच्छे से आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा, ताकि आपका नेक्स्ट जो वर्कआउट करेंगे उसके लिए आप तैयार हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं पुलअप स्ट्रेंथ से। देखिए, जो लोग बिगिनर होता है उन लोगों के लिए पुलअप्स करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है, तो वो लोग सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं कि वो लोग रेजिस्टेंट बैंड से पुलअप करने की कोशिश करते हैं या फिर किसी का सपोर्ट से पुलअप करने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है। तो बिगिनर लोग का सबसे पहला एम होना चाहिए कि उन लोगों का रिस्ट पे काम करना चाहिए, उसके बाद फोरआर्म्स पे काम करना चाहिए, उसके बाद शोल्डर पे काम करना चाहिए, यानी ये सब चीज़ों का पहले आप स्ट्रेंथन बढ़ाएं, उसके बाद कोशिश करें पुशअप करने के, उसके बाद पुलअप्स करने का। इसीलिए आप स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, आप ऐसे हैंग हो जाए और उसके बाद कोशिश करें जो आपका शोल्डर है सिर्फ शोल्डर को ऊपर उठाने के लिए। अगर आप ऐसे हैंगिंग करके शोल्डर को उठाएंगे तो आपका जो शोल्डर है उसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और आपका जो फोरआर्म्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। यही वीडियो करते करते वो पास वाला लड़का बोलता है एक मसल अप करके दिखाओ, तो मैंने बोला चलो इन लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि इन लोगों को भी थोड़ा मोटिव मिल पाए कैलिस्थेनिक करने का, क्योंकि ये लोग आते रहते सुबह सुबह, तो इन लोग फर्स्ट टाइम देखा वो, तो मैं चलो दिखा देते हैं इन लोगों को मसल अप करने के बाद। तो इन लोगों का रिएक्शन देखो कि अपने दोस्तों को दिखा रहा है, देखो मसल अप कर लिया। तो चलिए मसल अप कर लोगों को दिखा लेने के बाद मैं आता हूँ अपने मेन वर्कआउट पे। तो सेम वर्कआउट आप लोगों को फिर से दोहराना है, यानी आप कोशिश करें इसको कम से कम 4 सेट करें, और ऐसा नहीं है कि 4 सेट में हर सेट में आपको 12-13 रिपीटेशन मार रहे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप फेलियर तक जाए, जब तक आपका शोल्डर फेलियर नहीं मांगता तब तक आप जाए, और कोशिश करें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेने के लिए, यानी कि आपका रेस्टिंग टाइम होना चाहिए 2-3 मिनट, या फिर 5 मिनट्स भी आपको लगता है तो 5 मिनट आप रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे वर्कआउट पे। तो दूसरे वर्कआउट में आपको क्या करना है, सिर्फ हैंग करना है आपको, जैसे कि अगला वर्कआउट में हम लोग को दिखा रहा था कि आपको थोड़ा शोल्डर को पुल करना है, आपको इस बार में शोल्डर को पुल नहीं करना है, आपको हैंग करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इसको भी आपको 4 सेट लगाना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम सेकेंड तक होल्ड करना है आपको, और आपका रेस्टिंग टाइम होना चाहिए 2-3 मिनट्स या फिर मैक्सिमम 5 मिनट्स आप जा सकते हैं, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टिंग का बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं
पुलिंग स्ट्रेंथ पे। तो बिगिनर लोगों के लिए पुलिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए सबसे बढ़िया जो वर्कआउट है वो है ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। अब ऐसा नहीं है कि जो आपका जो बार है चेस्ट पे आए, आप कर अगर आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो अच्छा हो तो आप जो बार है वो कमर के तरफ भी ला सकते हैं। ये अपना फिटनेस का अकॉर्डिंग आप अपना हिसाब से कर सकते हैं। तो इसे भी आपको मैक्सिमम रिपीटेशन तक जाना है। मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को 12 से 15 रिपीटेशन ऐसा करके आपको नहीं काउंट करना है, आप मैक्सिमम फेलियर रिपीटेशन तक जाए और इसका जो सेट है कम से कम 4 सेट ज़रूर रखिए। अब ये हो गया पुलिंग स्ट्रेंथ, अब आते हैं हम पुशिंग स्ट्रेंथ पे। ठीक है, पुशिंग स्ट्रेंथ पे तो आप लोगों को पता ही है बिगिनर लोगों के लिए पुशअप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमें क्या करना है कि कंडीशनिंग वर्कआउट रखना है पुशिंग स्ट्रेंथ पे। तो पुशिंग स्ट्रेंथ में आपको डिप्स नहीं मारना है, लेकिन आपको जो शोल्डर है और नेक है बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और बॉडी जो है बिल्कुल पैरेलल रखना है अपना बॉडी के साथ, यानी कि आपका जो हेड से लेकर टो तक है कोशिश करें वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रखें। अब आते हैं दूसरा कंडीशनिंग वर्कआउट में। तो दूसरा कंडीशनिंग वर्कआउट में क्या करना है, आपको जो पुशअप पोजीशन पे रहना है और पुशअप पोजीशन पे आके बस यहीं पे आके आपको स्टॉप कर देना है, यानी आपका जो एल्बो है थोड़ा सा बेंड हो। इस पर क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपका शोल्डर है और आपका जो एल्बो का टेंडन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन बढ़ेगा। तो इसे भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेकेंड तक होल्ड करना है और आपको रेस्टिंग टाइम है 2 से 3 मिनट तक आप रेस्ट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना ले तो ही बेहतर है, बल्कि आप 5 मिनट तक रेस्ट ले सकते हैं क्योंकि आप बिगिनर है। तो इससे भी आपको 4 सेट ज़रूर लगाना है हर। तो जितना भी आपको मैंने एक्सरसाइज दिखाया या फिर वर्कआउट दिखाया आपको कम से कम 4 सेट तो ज़रूर लगाना ही लगाना है। अब आते हैं पुशअप पे। तो नॉर्मली जो रेगुलर पुशअप होता है तो ये बिगिनर लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, इस वजह से आप नी पुशअप को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके लिए लगता है कि नी पुशअप थोड़ा सा इजी लगता है तो आप नी को थोड़ा सा पीछे ले जाके भी आप पुशअप कर सकते हैं, इसे भी आपको 4 सेट ही करना है मैक्सिमम रिपीटेशन के साथ। अब आते हैं लेग्स वर्कआउट पे। तो नॉर्मली आपको पता है लेग्स के लिए सबसे बेहतरीन जो एक्सरसाइज होता है वो है स्क्वाट। तो आपको मेक श्योर करना है जो आपका जब भी आप स्क्वाट करते हैं तो कोशिश करें आपका जो स्पाइन है यानी आपको बैक है बिल्कुल स्ट्रेट रखे आपको बैठना है, नहीं तो आप ट्राई कर सकते हैं सपोर्टिव स्क्वाट से, यानी आपको ऐसे सपोर्ट लेके आप स्क्वाट कर सकते हैं जैसे भी आपका मर्जी हो, लेकिन आपको स्क्वाट करना बहुत ही ज़रूरी है आपका लेग स्ट्रेंथन के लिए। अब आते हैं दूसरे वर्कआउट पे। तो दूसरे वर्कआउट पे क्या करना है, आपको स्क्वाट पोजीशन पे आके ऐसे बिल्कुल मैक्सिमम से मैक्सिमम होल्ड करना है सेम 4 सेट के साथ। अब करेंगे कफ रेजेस, यानी कि हमारे कफ मसल्स के लिए आप ऐसे कोई भी ऐसे ऊंचा चीज़ ले लीजिए या एक सपोर्ट ले लीजिए हाथों पे और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नीचे जाना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ऊपर उठना है और मेक श्योर कि आपको झटका बिल्कुल भी नहीं मारना है, बिल्कुल स्मूथली आपको उठना है। आप जितना स्मूथ उठेंगे आपका जो कफ मसल है उतना स्ट्रेंथन होगा और उतना मसल आपका स्ट्रांग होगा। अब आते हैं कोर वर्कआउट पे। तो बिगिनर लोगों के लिए कोर वर्कआउट के लिए सबसे बेहतरीन जो एक्सरसाइज है वो है प्लैंक। प्लैंक आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम होल्ड करना है। तो ये रहा आज का कंप्लीट बिगिनर कैलिस्थेनिक वर्कआउट, इसे आप हफ्ते में 5 दिन जरूर करें ताकि आपका जो फाउंडेशन हो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहे।